हेलो मैम, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ प्रियंका खुमान एंड आई होप यू आर डूइंग गुड. तो मेरे 3 साल यूके में 29 अगस्त 2024 को कंप्लीट हो गए और मुझे तब ये वीडियो बनानी थी, बट एज यू ऑल नो कि मेरे पेरेंट्स आए हुए थे यहाँ पे, सो आई वाज बिट ऑक्यूपाइड, तो तब मैं वीडियो नहीं डाल पाई. बट जी हाँ, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे पिछले 3 साल यूके में कैसे गुजरे हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ, फिर पार्ट टाइम जॉब्स, और मैंने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज किए जब मैं स्टूडेंट थी एंड नाउ आई एम इनटू प्रोफेशनल जॉब. तो प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और फिर फील्ड जॉब में क्या ग्रोथ है एंड एवरीथिंग. एंड एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आई एम गोना आंसर द मोस्ट आस्क क्वेश्चन ऑन माई इंस्टा DMs, दैट इज इट वर्थ टू कम टू UK एज अ स्टूडेंट और नॉट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो 29 अगस्त 2021 को मैं यूके आई थी. जब मैं यूके आई थी 21 में, तब था कोविड, तो मुझे 10 दिन के लिए क्वारंटीन करना था एंड वी ऑल नो इट वॉज अ वेरी हार्ड टाइम. सो मुझे याद है कि मेरी यूनिवर्सिटी ने ऐसे हमको ईमेल सेंड किया था कि यू नीड टू डू द क्वारंटीन 10 days ago, सो यू हैव टू ट्रैवल 10 days बिफोर योर स्टार्ट डेट ऑफ द यूनिवर्सिटी. तो मेरी स्टार्ट डेट थी 13th September, वॉज लाइक माई फर्स्ट डे फॉर दैट इंडक्शन, बट उन्होंने बोला कि यू हैव टू डू द 10 days क्वारंटीन. तो उसकी वजह से मैं थोड़ा जल्दी आई थी. और कैम्ब्रिज के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो मुझे नहीं पता था कि कैम्ब्रिज कोई सिटी है. मुझे सिर्फ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में ही पता था. सो जब मुझे एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी से ऑफर मिला, तो तब मुझे पता चला कि कैम्ब्रिज टाउन है और मतलब यू नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से. तो तब मुझे तब बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कैम्ब्रिज से. बट मैंने कुछ ज़्यादा मतलब यू नो इसमें मैंने दिमाग नहीं लगाया कि मैं बहुत ज़्यादा पिकी नहीं थी यूनिवर्सिटी और सिटीज़, मतलब जो टाउन्स को लेकर के. आई वॉज ओपन बिकॉज मुझे पब्लिक हेल्थ मिल रहा था कोर्स एंग्लिया रस्किन में, एंड एज फार एज मुझे जो चाहिए था जो मतलब फील्ड कोर्स वो मुझे मिल रहा था. सो आई वॉज नॉट लाइक दैट पिकी कि लंडन ही होना चाहिए. सो कुछ ऐसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ कैम्ब्रिज से. और मैं जब यहाँ पे आई थी, तो मेरा जो पहला अकोमोडेशन था वो था यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन. तो बेसिकली मैंने मेरे पापा ने जो 60-40 के रेशियो में फ़ीस है वो पे की थी, और 2 महीने का अकोमोडेशन पापा ने पे किया था एंड दैट्स इट. बाकी फिर यहाँ आके मैंने जो भी किया है वो सब मैंने खुद ही किया है, और मेरे यहाँ पे कोई रिलेटिव्स है नहीं, किसी को मैं जानती नहीं हूँ यहाँ पे. मैं जब आई थी तब आई वॉज ऑल अलोन, आई डिडंट न्यू एनी वन एट ऑल. तो मुझे जो स्टार्टिंग का मतलब जो हमको सेटल होना होता है ना 1-2 महीना, वो काफ़ी टफ रहता है. और मैंने इंडिया में मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ, सो मेरे लिए ये मतलब चैलेंजिंग था. जो बोलते हैं ना कि पहले 3 महीने वो ट्रांजिशन होने में मुझे टाइम लगा था, बट इट वॉज़ गुड कि मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स बने थे तो मैं उनसे बात करती थी, और फिर उन्होंने मुझे मतलब मेरा एक फ्रेंड बना था अच्छा खासा, तो उसने मुझे मतलब फिर बताया कि यू नो तू NI नंबर, जब तक तेरा 10 दिन का क्वारंटीन है तो उसमें तू ये सारी चीज़ें कर ले, जैसे NI नंबर जो है उसके लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि NI नंबर नहीं मिलेगा जब तक आपको आप जॉब्स के लिए मतलब इजी नहीं होगा आपको अप्लाई करने का, क्योंकि NI नंबर हर एक जॉब के लिए चाहिए रहता है, पे स्लिप वगैरह के लिए, ठीक है. तो उसने बोला कि NI नंबर इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड सॉर्ट इट आउट, और फिर BRP वगैरह. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे बैंक में अकाउंट खुलना, ये सारी चीज़ें हैं ना मैंने 10 दिन जो क्वारंटीन था ना मैंने उसमें निपटा दी थी. और मीनवाइल मैंने जो जॉब सर्च है पार्ट टाइम जॉब्स, वो भी मैंने एप्लीकेशन वो ही 10 दिन में स्टार्ट कर दिया था. सो बिकॉज ऑब्वियसली अभी करना भी क्या था यहाँ आकर के, 10 दिन कुछ भी नहीं था, और मैं इतना ज़्यादा मतलब होमसिक फील कर रही थी, रोना ही आ रहा था मुझे, तो उससे अच्छा कि मैं कुछ काम कर लेती हूँ. तो वो 10 दिन का है ना मैंने एक्चुअली ऐसे यूज़ किया था, यू नो टू लाइक गेट वेल सेटल्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स जो स्टार्टिंग में हमको करनी होती है. तो यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में बात करूँ, तो मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ काफ़ी हद तक मतलब अच्छी रही है. अच्छी एज इन इट वॉज लाइक अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ स्ट्रेस एंड फन, बट मैंने दोनों ही चीज़ की है. मैंने स्ट्रेस भी उतना लिया है और मैंने एन्जॉय भी उतना ही किया है, ठीक है. तो जैसे कि हम सबको पता है कि यूनि लाइफ का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक होलसम एक्सपीरियंस होता है. तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के पास एक नहीं अनेक स्ट्रेस होते हैं. जैसे कि पहला स्ट्रेस तो हो जाता है यूनिवर्सिटी फीस पे करना,
अभी मोस्ट ऑफ अस वी बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, सो ऑब्वियसली पूरी फीस एक साथ हम नहीं पे कर पाते हैं. तो मैंने भी मेरी जो फीस थी वो 60 और 40 के रेशियो में पे की थी, 60% पहले और 40 जो दूसरे सेमेस्टर में. इस तरह से दीज डेज यूनिवर्सिटीज आर आस्किंग टू पे द एंटायर फीस इन वन गो, और पूरी फीस एक साथ पे करना मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी मतलब चैलेंजिंग होता है, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग लोन, एजुकेशन लोन लेकर के आते हैं, ठीक है. और एजुकेशन लोन जो है वो भी टाइम लगता है होते होते. सो आई रिमेम्बर के जब मुझे पे करना था मेरी यूनिवर्सिटी फीस, तो उन्होंने मुझे 15 दिन का टाइम दिया था कि विद इन 15 डेज यू हैव टू पे योर फीस आफ्टर यू नो गिविंग मी माई कास. तो 15 दिन के अंदर मतलब कोई भी बैंक से लोन होना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पेपर वर्क में टाइम लग जाता है. बट इफ़ यू गाइज आर स्ट्रेसिंग अबाउट एजुकेशनल लोन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ज्ञानधन. ज्ञानधन इज इंडियाज फर्स्ट एंड लार्जेस्ट स्टडी अब्रॉड एजुकेशन लोन्स मार्केट प्लेस. वेन इट कम्स टू स्टडिंग अब्रॉड, स्टूडेंट ऑफन फेस अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल हर्डल्स. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इज गेटिंग अ लोन टू फंड देयर एजुकेशन. ज्ञानधन offers most affordable education loans for study abroad. So how does it works? With all leading lenders at one place, end-to-end loan counseling, personalized loan options based on students' academic qualification, financial profile and other criteria, ज्ञानधन also provides free of cost of service and easy application process. By partnering with leading lenders including public banks, private banks, NBFCs and international lenders, they offer a wide range of loan options to choose from, ensuring you to find the best loan product that meets your requirements. First of all, check your loan eligibility. Then talk to the loan experts for better understanding of the process. After that, upload documents and fill out the form. Submit all the documents, complete the necessary forms for bank verification and evaluation. Fourth step is negotiate for your best loan offer. ज्ञानधन experts negotiate to secure the most competitive interest rate and the highest possible loan amount for you. And the final step is get loan approval and disbursement. ज्ञानधन has already helped more than 15,000 students and disbursed more than 5,000 crores. So for further assistance and inquiries, check the link mentioned in my description and also in the pinned comments. और असाइनमेंट्स की बात करूँ तो असाइनमेंट्स में मुझे हमेशा ही ज़्यादा मतलब डर लगता था फेल होने का, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो थोड़ा सा डिफरेंट है इंडिया से. तो इनके रिसर्च वगैरह होता है, ठीक है, वो फिर प्लेजरिज्म वगैरह, तो ये सब समझते समझते ही ना पहले 3 महीने तो उसमें ही निकल जाते हैं कि मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे. किसी भी तरह से फेल हो गए, 1% से भी अगर आप फेल हो जाते हो तो फिर आपको वो पूरा सा आपको रीट्राई देना होगा फिर से, और फिर उसको भी, उसके भी आपको मतलब पैसे देने होंगे. आपका एक बैकलॉग जैसा समझ लीजिए, ठीक है. तो इट्स मच बेटर कि आप अपने असाइनमेंट्स खुद लिखें, क्योंकि बहुत सारे जो असाइनमेंट सोर्सेज है वो भी अवेलेबल होते हैं, जैसे बाहर से असाइनमेंट्स बनवाना वगैरह. तो आपको जब बहुत कांटेक्ट करेंगे ऐसे लोग भी कि आपको बनाना है कि नहीं, तो 100-200 pounds लेते हैं आपसे और फिर आपके असाइनमेंट बनाते हैं. बट ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी स्मार्ट है, तो उनके पास भी यू नो वेरियस मेथड्स है टू डिटेक्ट दिस काइंड ऑफ वर्क. सो ट्राई टू अवॉइड इट. तो वही है कि असाइनमेंट्स का सारा जो मतलब पास आउट होने का जो प्रेशर है वो तो रहता ही है कॉन्स्टेंटली. बट इसके साथ साथ मैंने पार्ट टाइम जॉब्स भी करी है. तो मेरी पहली जॉब मैकडोनल्ड्स में रही थी, और आप सबको पता है मैंने वीडियो भी बनाई है उस पर. तो मैकडोनल्ड्स की जॉब मैंने 1 महीना किया था, और ये जॉब है ना, मुझे मैंने जैसे आपको बताया कि जो 10 दिन का मेरा क्वारंटीन था, तो उसके टाइम पे मैंने काफ़ी सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था. तो मुझे कुछ कुछ मतलब रिसोर्सेज मिले थे कि जैसे इंडीड हो गया, ये सारी जो जगह है वहाँ पे आप मतलब पार्ट टाइम जॉब्स हंट कर सकते हैं. तो मैंने वहीं पे मतलब ऐसे ही CV रेज्यूमे जैसा बना दिया और फिर उसमें मैंने अप्लाई किया था. लेकिन मैकडोनल्ड्स की जो जॉब थी उसकी वेबसाइट पर जा कर के मैंने जॉब अप्लाई की थी, क्योंकि मैंने सुना था कि मैकडोनल्ड्स हमेशा हायर करता है. और मतलब स्टार्टिंग फेज में ना जो भी आपको जितने भी आवर्स मिलते हैं 15-16 hours, वो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि एक बार आपका जो मतलब सैलरी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद ना सब कुछ ईजी हो जाता है. सो
ऐसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि यहाँ पे जॉब नहीं है, यहाँ पे जॉब नहीं है, ये फालतू चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जॉब इजीली मिल जाती है, कोई भी यहाँ पे खाली नहीं बैठता है, ठीक है, कोई भी खाली नहीं बैठता है। ट्रस्ट मी, मुझे 15 दिन के अंदर जॉब मिल गई थी, मेरा क्वारंटीन खत्म हो गया, ठीक है, और उसके 5 दिन के बाद मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया और फिर बोला कि नेक्स्ट वीक से आप ज्वाइन भी कर लोगे। सो 15 दिन के अंदर मैं यूके आई, उसके 15 दिन के बाद मेरे को मेरी पार्ट टाइम जॉब मिल गई। सो मैकडी में मैंने 1 महीना काम किया और उसके बाद मुझे पब में काम मिल गया था एज अ किचन असिस्टेंट। तो फिर मैंने मैकडी छोड़ के पब ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज वो मुझे 20 आवर्स दे रहे थे और मेरा अवरली रेट भी ज़्यादा था, तो मुझे चाहिए था कि मेरा मतलब मैं ना एक्सपेंसेस तो मैनेज कर सकूँ, उतना तो मुझे कमाना है, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने पब ज्वाइन कर लिया और इस पब में मैंने करीबन 1 साल काम किया है। बट मेरे दिमाग में ना एक चीज़ काफ़ी क्लियर थी कि मैं ये काम तब तक ही करूंगी जब तक मैं स्टूडेंट हूँ। वंस आई ग्रेजुएट आई एम नॉट गोना वर्क दिस काइंड ऑफ जॉब्स। मुझे मेरी एक्चुअल फील्ड जॉब करनी है, मुझे NHS में काम करना है। तो मेरा ये माइंडसेट काफ़ी क्लियर था कि मैं ये तब तक ही करूंगी जब तक मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि तब तक ही पार्ट टाइम जॉब करनी है। उसके बाद मैं ये बर्तन धोना वगैरह ये मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ये मैं करने नहीं आई हूँ। मैं मेरे पास मास्टर डिग्री है, ठीक है, तो मैं ये सब तो नहीं करूंगी। सो आई वॉज वेरी क्लियर विद दैट, एंड इफ यू पुट योर माइंड इन टू समथिंग यू डेफिनेटली गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो जो एक्चुअल स्ट्रगल है वो स्टूडेंट लाइफ में नहीं, वो आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो ना उसके बाद शुरू होता है प्रोफेशनल लाइफ में। जो प्रोफेशनल जॉब ढूंढना है ना, यहाँ पे स्ट्रगल शुरू होता है, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब मुझे जो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में जो जॉब मिली थी वो मुझे मिली January 2023 में। अभी इसके भी जब एक स्टोरी है कि मुझे ये जॉब कैसे मिली। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट्स बने थे यूनी में, उनका अलग कोर्स था बट वी ऑल आर लाइक फ्रॉम यू नो साइंस बैकग्राउंड। तो वो सितंबर में ग्रेजुएट हुए थे और मैं जन में ग्रेजुएट होने वाली थी, तो वो मेरे पहले 3 महीना ग्रेजुएट हो गए। तो फिर उनको एडनब्रुक्स हॉस्पिटल में जॉब मिली थी वाया एजेंसी, तो एजेंसी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया था हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ऐसे करके उनको ऐसे माइक्रोबायोलॉजी लैब में जॉब मिली, तो उन्होंने फिर मुझे वो कॉन्टैक्ट शेयर किया था और फिर मैंने अपना रेज्यूमे वगैरह भेजा एंड दे वर हैप्पी टू हायर मी। सो उन्होंने मुझे बोला कि यू कैन स्टार्ट राइट आफ्टर योर यू नो डिजर्टेशन। तो एक्चुअली मैं डिजर्टेशन लिख रही थी, मैंने सबमिट भी नहीं किया था और मुझे ये जॉब मिल गई थी। मुझे उन्होंने बेसिकली रफली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया था। तो वही है कि मैंने क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में फिर मुझे जॉब मिल गई और मैंने 1 साल और 3 महीना काम किया है वहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने जब 1 साल मतलब 3 3 महीना हो गया ना मेरा ये जॉब में, उसके बाद आई रियलाइज कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मतलब मुझे इसमें आगे नहीं बढ़ना है इस फील्ड में। बिकॉज आई हैव स्टडीड माइक्रोबायोलॉजी बैचलर्स, मेरा माइक्रो में ही है, बट आई डोंट वॉन्ट टू वर्क इन अ लैब, लाइक कंप्लीटली इन अ लैब, ठीक है। तो मैंने मुझे जो भी सीखना था यहाँ पे, जो भी मतलब जितना भी मैं सीख सकती थी, पॉसिबिलिटी थी उस रोल में, वो मैंने सब कुछ सीख लिया था। मैंने फिर मेरे कुछ कॉलिग्स को बोला कि यू नो दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू विथ माय लाइफ, सो इफ़ यू हैव एनी यू नो इफ़ यू हैव एनी अदर कॉन्टैक्ट और समथिंग प्लीज़ लेट मी नो, अगर कहीं पे कोई जॉब है। तो फिर ऐसे ही मुझे एक कॉलिग ने बताया कि जेनेटिक्स में एक अच्छी जॉब पोजिशन है, अप्लाई करो उसके लिए, मिल जाएगा शायद। और वो अच्छा मतलब जेनेटिक्स अच्छा डिपार्टमेंट है काम करने के लिए और ग्रोथ भी होती है वहाँ पे, मतलब आपको आगे बढ़ना ईजी रहेगा। तो देन आई अप्लाइड इन दिस जेनेटिक डिपार्टमेंट और मेरा वहाँ पे फिर हो गया, ठीक है। तो अभी मैं जेनेटिक्स में मैं काम करती हूँ एज अ हेल्थ साइंस एसोसिएट, एंड मेरा रोल 50-50 है। मेरा टेक्निकल साइड में रोल है और लेबोरेटरी में भी रोल है, ठीक है। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग इन द वेट लैब बट आई एम ऑल्सो वर्किंग विद द साइंटिस्ट एज वेल। सो इस तरीके का अभी रोल है। और मुझे ये मार्च में जॉब मिली है, तो ये मेरी परमानेंट जॉब है NHS में और अभी मैं मतलब परमानेंट स्टाफ हूँ। सो कॉन्ट्रैक्ट जॉब मैंने शुरू की थी, ठीक है, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में। तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब से लेकर के परमानेंट जॉब का जो ये सफ़र है, ये इसमें मैंने बहुत सफ़र किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। आई हैड मेंटल ब्रेक डाउन्स, आई हैव क्राइड लाइक मिलियन टाइम्स, एंड एट दैट पॉइंट वेयर यू नो आई इवन हैड थॉट ऑफ लाइक यू नो क्विटिंग एंड मे बी गोइंग बैक टू इंडिया। क्योंकि आते ऐसे ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं जब यू नो आपको ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं आप अपनी लाइफ के साथ, मतलब यू नो 9 to 5, डू यू रियली वॉन्ट डू 9 to 5। तो बहुत सारे मेंटल ब्रेकडाउन्स हुए हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी इंस्टा मतलब फीड दिखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये घूम रही है, ये है, वो है, बट यू नो स्ट्रेस सबको ही रहता है। अब आप कैसे हैंडल करते हो ना, वो आप पे है।
तो ऑब्वियसली मुझे चेंज चाहिए था जो मैं काम कर रही थी वहां से लेकर के कहीं और पे. सो नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस जेनेटिक्स एंड आई एम लर्निंग अ लॉट अबाउट जेनेटिक्स एंड आई एम फाइंडिंग दिस फील्ड इंटरेस्टिंग. तो मुझे इसमें आगे बढ़ना है. सो आई एम लाइक यू नो मेकिंग माई वे इन टू इट. सो इट्स गोना टेक टाइम. ऑब्वियसली थिंग्स टेक टाइम टू बिल्ड. बट द थिंग दैट मैटर्स इज लाइक यू नो यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर आइडियाज रादर देन यू नो जस्ट लाइक सिटिंग देयर एंड क्राइंग अबाउट इट. सो वही है कि कॉन्टेक्स्ट बनाइए, लोगों से थोड़ी हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए. और मुझे बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि क्या स्टूडेंट्स मतलब स्ट्रगल करते हैं, मतलब स्टूडेंट आप जब होते हो तब कितना स्ट्रगल होता है. तो मैंने है ना बहुत सारी मतलब अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरे काफ़ी सारा मतलब पर्सनल ग्रोथ हुआ है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इंडिया में कभी काम नहीं किया है, ठीक है. तो मेरा जो भी पहला पे स्लिप था वो यहीं पे ही था. मेरी पहली सैलरी यहाँ पे आई है और मैंने फिर अपने सारे एक्सपेंसेस मैंने खुद मैनेज किए. मैंने घर से एक भी पैसा नहीं मंगाया है जब से मैं यहाँ पे आई हूँ तब, ठीक है. 3 साल हो गए, 3 साल से सब कुछ खुद ही मैनेज कर रही हूँ. रेंट खुद पे कर रही हूँ, घूमने भी गई हूँ मैं, यूरोप भी गई हूँ. मैंने शेंगेन वीज़ा भी लिया है, 3 बार मैंने शेंगेन वीज़ा ले रखा है, ठीक है. तो मैं यूरोप भी गई हूँ, फिर मैं अभी रिसेंटली अपने पेरेंट्स को स्विट्जरलैंड लेकर के गई थी. सो ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करते हैं. बट जी हाँ, इतना स्ट्रगल नहीं होता है जितना लोग बताते हैं स्ट्रगल. ज़्यादातर स्ट्रगल आई थिंक जो फेस होता है वो होता है दिमाग में, ठीक है. मेंटल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है क्योंकि सब कुछ ही खुद करना है. एंड जब आप सब कुछ खुद करते हो तो एक पॉइंट पे एग्जॉस्ट हो जाते हो, ठीक है. तो फिर आपको भी मतलब ब्रेक चाहिए होता है सभी चीज़ से. तो हाँ, थोड़े प्लस और थोड़े माइनस पॉइंट्स होते हैं हमेशा, यू नो इट्स लाइक प्रोज एंड कॉन्स हमेशा रहेंगे. बट ओवरऑल उतना ज़्यादा स्ट्रगल मैंने नहीं देखा है कि लोग करते हैं, तब उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होता है. पैसे तो आप आराम से बना लेंगे, बट फिर वही है कि यू नो कुछ ना कुछ तो बोलते हैं ना कि छूट जाता है, तो फिर वो वाली फीलिंग तो हमेशा आएगी. जैसे कि मुझे हमेशा होम सिकनेस होती है, और होम सिकनेस तब होती है जब यू नो फेस्टिवल्स नज़दीक होते हैं, जैसे कि दिवाली, नवरात्रि. मेरे लिए है ना मतलब दिवाली और नवरात्रि दो ऐसे फेस्टिवल है जहाँ पे मुझे घर सबसे ज़्यादा याद आता है. तो इस टाइम पर ना मतलब मुझे सच में कुछ भी मोटिवेट नहीं करता है. जब मैं ऐसे देखती हूँ ना रील्स वगैरह, स्टोरीज वगैरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड बी देयर. लाइक मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मैं काम पे जा रही हूँ और वहाँ पे देखो नवरात्रि हो रही है, वहाँ पे दिवाली हो रही है. तो फेस्टिवल्स के टाइम पे होम सिकनेस बहुत होती है. और ये तो मतलब इस पे ये तो हमेशा रहेगा. आई डोंट थिंक सो कि जो कहते हैं ना लोग के भी 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, बट फिर भी होम सिकनेस तो रहेगी आपकी. डजेंट मैटर अगर आप 5 साल से हैं यहाँ पे, या 10 साल से है, या 2 साल से है. ये एक जो वॉइड है ना, ये हमेशा रहने वाला है, ठीक है. और ये आई थिंक दिस इज द प्राइस वी पे लिविंग अब्रॉड आई गेस, और लिविंग अवे फ्रॉम होम. ओवरऑल पर्सनल ग्रोथ काफ़ी होती है जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं. तो मेरी तो काफ़ी हुई है. मैं जो लड़की थी इंडिया में और आज जो मैं हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, और वो मैं देख सकती हूँ. सो आई कंसिडर दैट एज यू नो लाइक दिस काइंड ऑफ ग्रोथ. ऐसी ग्रोथ नहीं जाती है, ऐसी ग्रोथ जा रही है. सो दिस इज पॉजिटिव, जो आपको ऊपर लेकर के जाता है, ठीक है. वो ग्रोथ अच्छी होती है, बहुत कुछ सिखाती है आपको. अकेले रहना जो है बहुत कुछ सिखा देता है. सो टू एंड दिस वीडियो एंड टू आंसर द मोस्ट आस्क क्वेश्चन कि इज इट वर्थ इट टू कम टू यूके और नॉट. सो माई आंसर इज इट इज डेफिनेटली वर्थ टू कम टू यूके एज अ स्टूडेंट. Because there are so many positive things that are happening, there are so many personal growth that you will have, and you will learn a lot, you will make a lot of money, and you will know ke aapko yahan pe rehna hai aage ya nahi. So on the positive note, I consider that coming to UK for your abroad studies as a student would be a better option and would be a better choice, if that makes sense. So it is definitely worth it for me. I find it worth it coming here. So yeah, that's my answer. So anyway, I hope ki aapko ye video acha laga hoga, and do subscribe my channel, do like the video and share it to your friends and family, and I'll see you in my next video very soon. Till then, take care, bye. Namaste.